This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ फोटोग्राफ पोएम को। तो शुरू करते हैं हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड शोज टू गर्ल्स, कजन बेटी एंड डॉली, हु वेंट पैडलिंग इन द सी विद द पोएट्स मदर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात हुई है एक फोटोग्राफ की जो कि कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्टेड है। इस फोटोग्राफ के अंदर दो लड़कियाँ हैं, कज़न बेटी और डॉली। ये दोनों क्या हैं, लड़कियाँ कज़न हैं एक दूसरे की, जो कि पोएट्स की मदर के साथ कहाँ पर गई हैं, सी के पास में गई हैं, समुद्र के किनारे गई हैं शायद। ईच ऑफ देम वॉज होल्डिंग वन ऑफ द हैंड्स ऑफ द पोएट्स मदर। तो जो पोएट की माँ थी उनके एक हाथ को बेटी ने पकड़ा था, एक हाथ को डॉली ने पकड़ा था। हु वॉज अ बिग गर्ल, और जो पोएट की मदर थी वो काफ़ी बड़ी लग रही थी इस फोटोग्राफ के अंदर। ये जो फोटोग्राफ है सम 12 ईयर सो एट दैट टाइम, तो ये जो फोटोग्राफ है ये लगभग पोएट की जो माँ है उनकी उम्र तब 12 साल रही होगी, तब भी वो बहुत बड़ी लग रही थी फोटोग्राफ के अंदर। जो उनके अंकल थे उनके पास कैमरा था, तो ये जो तीनों लड़कियां थी एक साथ खड़ी हुई थी, कैमरे की तरफ देख रही थी और स्माइल कर रही थी अपने बालों को हटाकर कि बहुत अच्छी सी हमारी फोटो आएगी। जो फोटोग्राफ है वो यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तीनों लड़कियाँ एक साथ खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं। जो पोएट की मदर हैं उनका फेस, पोएटस की जो मदर हैं उनका फेस काफ़ी स्वीट सा है। इट वॉज ऑफ अ टाइम बिफोर शी वॉज बॉर्न। तो जो हमारी पोएटस हैं जिन्होंने ये पूरी पोएम लिखी है, ये उनके पैदा होने से पहले की पिक्चर है उनकी मदर की। जो उनके फीट थे वो किससे वॉश हो रहे थे, सी का जो वाटर था उससे वॉश हो रहे थे। और वो एक चीज़ नोटिस करती हैं कि जो पीछे का समुद्र था वो वैसे का वैसा ही लगता है अभी भी। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि जो समुद्र फोटो के अंदर बैकग्राउंड में था वो सी जो है वो अभी भी ऐसी ही लगती है। तो यहाँ से जो पोएट्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें हिंट दे रही हैं कि जो उनकी मदर हैं उनका फेस अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, या फिर उनकी मदर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन समुद्र भी वैसे का वैसा ही है। कुछ समय के बाद, लगभग 20 से 30 साल बाद, जो पोएट की मदर हैं वो उन फोटोज़ को देखती हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। वो इन फोटोज़ को देखकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं। बेटी और डॉली के बारे में भी वो बोलती हैं, अरे देखो कैसी ड्रेस पहनी है मेरी कजन्स ने। और वो याद करती हैं कि कैसे वो सी हॉलीडे पे गई थी। बहुत सारी चीज़ें और भी सोचकर वो हंसने लगती हैं। जो सी हॉलीडे था वो उनके पास्ट का एक इवेंट था, और जो उनका लाफ्टर था वो रियल था और प्लेजेंट था पोएट के लिए। उन्हें बहुत खुशी होती है कि अरे वाह, मेरी माँ तो बहुत खुश हो रही हैं। इट वॉज अ प्रेशियस मेमरी फॉर हर, और ये पोएट के लिए एक बहुत ही प्रेशियस मेमरी थी, हमेशा याद रहने वाली चीज़ थी। बोथ हर हॉलीडे एंड हर लाफ्टर आर अम्यूजिंग, जो उनके हॉलीडे और लाफ्टर हैं ये बहुत ही अम्यूजिंग थे, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से बड़े ही अजीब तरीके से जुड़े हुए थे, जिसमें रिक्वायर था क्या चीज़, लॉस, जिससे कि उन्होंने अपना फोर्स्ड स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन खो दिया था। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब वो समुद्र के किनारे थे तब वो कितनी खुश थी, और अब जब वो यहाँ पर हैं तो जो वो एक पेन वाली कंडीशन के अंदर होंगी या फिर किसी भी कंडीशन के अंदर होंगे, अब वो उसे भूल कर खुश हो रही हैं, स्माइल कर रही हैं। जो पोएट की मदर हैं अब वो डेड हैं, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, मर चुकी हैं। पोएट के पास बिल्कुल भी शब्द नहीं बचे कि वो किस तरीके से बोलें इस इवेंट के बारे में जो उनकी मदर की डेथ वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और वो साइलेंट भी हो चुकी हैं। जो उनका साइलेंस है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि वो बहुत दुखी हैं। पोएटस
अपनी मदर को ट्रिब्यूट पे करती हैं, श्रद्धांजलि देती हैं। इट इज़ द ओल्ड फोटोग्राफ दैट मूव्स हर टू साइलेंस। वो जो ओल्ड फोटोग्राफ है वही उन्हें शांत कर देती है जब भी वो उस पिक्चर को देखती हैं। तो यहीं पर हमारी जो पोयम है अ फोटोग्राफ ख़त्म होती है। तो जो पोएटिस की मदर थी आखिर वो कहाँ पर गई थी, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनु से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।